They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक फॉर अनदर ब्लॉग गाइज। मैं हूं रजनीश एंड मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में। एंड जैसे कि 30 डेज का हमारा डेली व्लॉग चैलेंज है, तो आज है हमारा डे 6 डेली व्लॉग का। सो आज है दिवाली का नेक्स्ट डे है आज। सो आई होप कि आप लोगों की दिवाली भी बहुत बढ़िया ही गई होगी, हमारी भी बहुत बढ़िया गई। बस एक इंसिडेंट हो गया, पापा जी पापा ने कर दिया है कमाल, 1000 का चालान लगा दिया है। तो पापा को लग गया 1000 रुपये का चालान। वो क्यों लगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। सेठ साहब ने रेन शेल्टर के अंदर अपनी बाइक पार्क लगा दी थी, मतलब पार्क करने की जगह देखो उन्होंने क्या ढूंढी थी, रेन शेल्टर के अंदर और भी पुलिस वालों के सामने। और उन्होंने लगा दिया हमें 1000 रुपये का चेपा। सो फिलहाल चलो कुछ नहीं है, देखते हैं अब उसका क्या होगा। फिलहाल आज गोवर्धन पूजा है। सो आज पूजा होती है, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, आज पूजा होती है सभी मैकेनिकल चीज़ों की, जो भी मशीनरीज होती हैं सभी चीज़ों की आज पूजा होती है। एंड आज उन चीज़ों में काम नहीं किया जाता है। तो बस गैस तो अभी हम जा रहे हैं अपने नारायण की पूजा करने एंड अपने साथ में अपने बाइक की भी पूजा करने, पल्सर की। तो दोनों की पूजा करेंगे अभी फ़िलहाल। सो साथ में मम्मी अभी पूजा कर रहे हैं। वो देखिए मम्मी अभी पूजा कर रहे हैं। सो देखते हैं, पूछते हैं मम्मी ने पूजा कर दी। ओह कर दी है मम्मी ने पूजा मशीन की। ऑलराइट गाइस, तो मम्मी ने पूजा कर दी है मशीन की। ऑलराइट गाइस, तो अभी रॉकी हमारा रॉकी ले रहा है सन बात, थोड़ा सा चुस्त हो गया है, पहले बीमार हो गया था बेचारा, थोड़ा चुस्त हो गया। चलो सारे चल रहे, चलो चलो चल रहे बनाने वाला ऐसा बना और गैस। सो अब हमने पूजा करके हो चुके हैं फ्री, नारायण की पूजा भी कर ली है एंड ऊपर अपने बाइक की पूजा भी कर ली, दोनों की पूजा कर ली है। सो फिलहाल अब निकलेंगे घर को एंड पिछले कल के ब्लॉग की एडिटिंग करूँगा थोड़ी देर में, फिर उसको देखते हैं आज का दिन का क्या प्लान बनता है। सो फिलहाल तो अभी एडिटिंग करेंगे घर जाके, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। रोंगड़ी नहीं अच्छी है नहीं है, ऐसे ही जाना भी एक आदि पे ऑलराइट गाइस, तो अभी बज चुके हैं दिन के 2 एंड मैं अभी एडिटिंग कर रहा था पिछले कल के ब्लॉग की, मतलब दिवाली के दिन की ब्लॉग की, जो हमारा डेली व्लॉग 5 है। तो पता नहीं क्या हो गया, बीच में एरर आ गया, तो बीच में वीडियो क्लिप्स हट गई थी एंड सिर्फ ऑडियो फाइल्स रह चुकी थी। तो इस करके मेरे को रीडू करना पड़ा सब का सब, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। तो अभी मैंने सोचा था कि मैं मोहल खट तक जाऊंगा, वहाँ पे कुछ फिशेस का करूँगा कुछ जुगाड़, बट अब लगता नहीं कि मैं जा पाऊँगा। देखते हैं फिर भी क्या प्लान बनता है। करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को फ़ोन, अगर वो बोलेंगे चलने, वो अगर वो आ जाएंगे साथ में तो चलेंगे, अदरवाइज़ रहने देंगे। अदरवाइज़ देखते हैं कुछ और एक्टिविटीज़ करेंगे। बाकी जो फ़िलहाल इसको रेंडरिंग करने रख देता हूँ, फिर करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं मोहल खड। तो देखेंगे आज हम थोड़ी फ़िशिंग करके, तो मैं फ़िशिंग नेट लाया हूँ साथ में, तो देखेंगे थोड़ी बहुत फिशेस पकड़ेंगे आज एंड उन्हें एक्वेरियम में पालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो साथ में चले हुए भाई खट बहुत हो रहा है। वो देखो गाइस, ये है भूतिया हवेली माहौल की, और सच में है भूतिया जैसा नहीं, बिल्कुल सुनसान जैसा। सिद्धू देख ले, सिद्धू को तो बहुत आता था खट जाने के। नहीं सिद्धू कर रहा हूं मैं। क्या मिल गया है? ये लड़ी पटाखों की, और ये हमारे अक्षित भाई ने चकली है, बच्चे कुछ सिद्धू भाई ने, और ये हम जाते हैं वहाँ पे शुरुआत इससे करेंगे। बाकी हम आपको मिलते हैं खड्डे के पास गाइस, बाय बाय। और गाइस तो अभी हम पहुँच चुके हैं पानी तो सो ये पुल जोड़ता है मॉल और कुलीबेड़ को बोल सकते हो। सो यहाँ नीचे जाएंगे हम, खड्डा भी आके जाएंगे हम खड्ड में, देखते हैं अगर मछली मिलेगी तो तब ठीक है, दरवाजा से वापस नहीं। और गाइस तो हम पहुँच चुके हैं खड्ड, तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मछलियाँ है कि नहीं है, तो देखते हैं। ये तो बहुत गहरा पानी है भाई, यहाँ तो मुश्किल ही होगी। वो आगे मत जाना है, यहाँ नहीं है। कॉर्ड ऑन कर दिया हमने, बस हमारी तरफ देखते रहियो। इस पर अपने पास रखिए, ठीक है? जल्दी कर दिया। ना ये है तो ये क्यों बड़ी बड़ी नहीं आ रही है? ये अक्षित आजे कैमरामैन। कोई चीज यार मिट्टी आ गई ले। आज हम ये आज हम फिशिंग कर रहे हैं। फिशिंग इज ऑल अबाउट फिशिंग। तो तू नहीं आई भैया, नहीं आ रही तो करते ले आएगी। चल कर देख लगे तो ये होगी। और गाइस तो हमने मछलियाँ तो पकड़ ली, देखते हैं अब कितनी बचती है, कितनी और कितनी मरेगी। तो फिलहाल चलते हैं वापस। तो गाइस ये देखिए खड्ड का व्यू, तो जो हमने मछलियाँ पकड़ी वो पकड़ी हमने यहाँ पे। पहली बार दूसरी बार आया हूँ मैं खड्ड में। तो गाइस ये देखिए मिथुन को, मिथुन लगा हुआ है अपने काम में, देखिए चैन नहीं लोगों को। नहीं लगा नहीं लगा, वापस कर वापस कर। ऑलराइट गाइस तो अभी बज चुके हैं शाम के 5। सो मैंने अपलोड कर दी थी वीडियो पिछले कल की, दिवाली वाली कर दी थी मैंने अराउंड 3-1 बजे अपलोड, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था आज। पर उसमें किसी ने कॉपीराइट डाल दिया है इस ऐसे गाने पे जो कि नॉन कॉपीराइट सॉन्ग है, एंड जिसका मैंने वो सॉन्ग यूज़ किया है उसने नहीं मारा है कॉपीराइट, कॉपीराइट कोई और ही कंपनी मार रहा है। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से कॉपीराइट मारते हैं। तो ऊपर से जब मैं वो डिस्प्यूट सबमिट कर रहा था तो पता नहीं वो वहाँ पे क्या ही पूछ रहे थे, तो इस करके मैंने उसे डिलीट ही मार दिया। तो अब नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ गाना चेंज करके। चलो अब देखते हैं कहीं फिर से ना कॉपीराइट आ जाए, नहीं तो म्यूट ही करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत वीडियो, बाकी तो क्या। चलो देखते हैं, देखिए अभी भी अपलोड करने रखा हुआ है, चलो देखते हैं अभी क्या बनता है। तो अभी हम बना रहे हैं चिकन फ्राई। तो आज तक पापा को नहीं खिलाया, हम लोगों ने तो बहुत खाया हुआ है पर पापा को हमने नहीं खिलाया, तो इस बार हम पापा को भी टेस्ट करवाने वाले हैं घर का बना हुआ फ्राई चिकन। तो जैसे कि मैं KFC का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो वहीं से शौक बना मुझे एक भाई KFC के साथ चिकन खाना था। कुल्लू में तो KFC है नहीं, तो इस करके अपना देसी जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो टेस्ट तो उसकी तरह नहीं है बट मज़ा उसकी तरह आ ही जाता है। सो बस हमने उसको मैरिनेट करने रख दिया था यूट्यूब से देख के। तो फिलहाल अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं, तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप ही लोग भी बना सको घर में। वैसे आप ही में से मतलब कई ऐसे होंगे जो मेरे से बड़े बड़े कुक हैं, तो उनके लिए नहीं है, जो छोटे मोटे कुक मेरे तरह है उनके लिए ये वीडियो। सो आई होप यू विल लाइक इट। जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, एंड हैप्पी गोवर्धन पूजा वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज आप सभी अपनी मैकेनिक चीज़ों की पूजा कीजिएगा। तो बस अब करते हैं शुरुआत हम अपने किचन कुक ब्लॉग की। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो हमने मैदा ले लिया है, तो मैरिनेट वाले को हम इसमें ऐसे इसको इसके ऊपर से लपेट के फिर तलेंगे। तो अभी मैदा ले लिया है, कॉर्नफ्लोर लेते हैं, कॉर्नफ्लोर जो मर्जी बोलो यार, ओट्स भी चाहिए, ओट्स लेते हैं, कॉर्नफ्लोर ले लिया। तो थोड़ा सा हम डालें, इसमें भी मसाला ऐड करते हैं। तो हम ब्लैक सॉल्ट क्या ब्लैक काली मिर्च डाल दी। फिर इसमें थोड़ा लूण तो हमारी भाषा में लूण बोलते हैं, आपकी भाषा में, हम नॉर्मल भाषा में इसको नमक बोलते हैं। तो नमक भी डाल देते हैं ठीक क्वांटिटी में ताकि टेस्ट आ जाए। तो उसके बाद डालते हैं हम देगी मिर्च थोड़ी सी कलर के लिए, ताकि कलर आ जाए बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा देगी मिर्च, लाल मिर्च हो गया, ख़त्म हो गया तुम्हारा देगी मिर्च। थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे हम सिर्फ टेस्ट के लिए, अपना अपना तरीका होता है गाइस। तो हम निकाल रहे हैं चिकन मैरिनेटेड, और गाइस तो हमने इसको पहले ही मैरिनेट कर दिया था। तो मैरिनेट करने के लिए हमने एग, हाँ 2 घंटे हो चुके हैं इसको मैरिनेट करके। तो हमने इसके लिए क्या किया था, एग लिया था, दूध लिया था, फिर उसमें गरम मसाला, नमक सब कुछ सेम इसकी तरह ही है, कोई अलग नहीं है। सो काइंड ऑफ देसी है गाइज, तो ज़्यादा प्रोफेशनल वाला नहीं है। तो हम पहले इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ताकि सारा गंदा ना हो, हाँ इसको ऐसे कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इसको। तो बस गाइज इसको ऐसे कर के हम फटाफट रख देते हैं साइड में, एंड तलने के लिए तैयार कर देंगे इसको। ना तो हम इसे तब तक तलेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन जैसा ना हो जाए। तो देखते हैं अभी गर्म हुआ है कि नहीं, हो गया है। Let's do it. Good, yeah. मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आने लग गया है। तो पहले हम 2 लेग पीस डाल देंगे, मेन पीस जो है ये। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए। गाइस तो मुझे तलना नहीं आ रहा था, तो अब ड्यूटी दे दी गई है अंजलि जी को। अंजलि जी तल रहे हैं मुंह फुला के। क्यों मुंह फुलाया भाई है? आज तो अभी मतलब 8 बज चुके हैं रात के, एंड अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई है क्योंकि मैं ये 4थी बार ट्राई कर रहा हूँ अपलोड करने का। एंड साथ में मेरे पापा लगे हुए हैं फ़ोन में एंड मैच देख रहे हैं। और गाइस तो आज मैच हो रहा है इंडिया और स्कॉटलैंड के बीच में, चलो देखते हैं आज इंडिया जीतती है या नहीं। आज जीतती है वैसे तो पापा इंडिया बाहर ही है ना अभी, क्या बता? अच्छा चलो देखते हैं। बाहर गई बाहर के जो हालात है इनके, पर क्या पता, पता नहीं लग सकता, यो तो है। और गाइस सो हमारा डिनर हो चुका है तैयार। चिकन फ्राई चिकन खा रहे हैं लोग डिनर में, साथ में सब्जी और रोटी। चलो कोई ना, चलो पापा से पहले टेस्ट कराएंगे कि उन्हें कैसा लगा, फिर बताते हैं। ऑलराइट गाइस तो टेस्ट करते हैं अपना फ्राई चिकन। टेस्टी। तो कईयों ने, आप लोगों ने कईयों ने मतलब देखा होगा एक कोरियन गर्ल खाती है, देखिए अलग अलग प्रकार की डिशेस कैसे आवाज़ करती है ना, वैसे हम करने। अरे आप लोगों को कैसा है जैसे है सॉस के साथ खाओ इसको अलग से। Alright guys, तो अब आ चुका है हमारा बाय बोलने का टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि 30 दिन तक तो हम लगातार मिलते ही रहेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, एंड जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts.